नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अभी तो नीट का रिजल्ट आया नहीं, बट आंसर की के थ्रू ऑलमोस्ट हमने सबने पता लगा लिया होगा कि कितना हमारा स्कोर आ रहा है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट्स या पेरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले लिए होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बात शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया। तो आज का जो टॉपिक है वो MBBS अब्रॉड का जो एक्चुअल कॉस्ट आता है उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। जो भी कंसल्टेंट के थ्रू आपने रजिस्टर कराया होगा या बातचीत कर रहे होंगे, इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जो आपको कॉस्ट शीट उन्होंने दिया होगा फिर से देखने पे मजबूर कर देगा। वो क्यों? ये वीडियो को आप पूरा देखना, तब आपको पता चलेगा। जब हम MBBS अब्रॉड की बात करते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एंड फूड जो कि हम कंसिडर तो करते नहीं। हमको लगता है कि किसी ने अगर 20 लाख का पैकेज बताया तो वही हमारा टोटल खर्चा होगा। तो आई कैन प्रूव इन दिस वीडियो, जो 20 लाख का पैकेज बता रहा है वो एक्चुअली 20 लाख नहीं, वो आपको पड़ेगा 28 to 30 lakhs। या जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर 25 लाख तक बजट है, उसको जब हम बोलते हैं ना 17-18 लाख में बशकीर ले लो, बेस्ट यूनिवर्सिटी है या ABCD कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, तो उनको लगता है यार मेरा तो 25 लाख बजट है, व्हेन आई एम पेइंग मोर तो आई शुड गेट गुड यूनिवर्सिटीज। बट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो 17 लाख का यूनिवर्सिटी में आपको दे रहा हूँ वो एक्चुअल में 17 लाख नहीं, बहुत सारा कॉस्ट उसमें ऐड होगा। हम अपने पेरेंट्स को, हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, बट कुछ कुछ लोग मार्केट में हैं जिसके थ्रू आपने शायद एडमिशन ले लिया होगा, बातचीत कर रहे होंगे, वो आपको नहीं बताए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपोजिंग द रियल कॉस्ट ऑफ MBBS अब्रॉड। तो शुरू करने से पहले मेरा ये सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे, जितना आप लाइक करते हैं उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट वाला वीडियो बनाओ। और जितना आप इसको शेयर करेंगे, जो भी लोग MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने हर एक एक्सपेंस को, हर एक पेनी को जोड़ जोड़ के एक एक्सटेंट तक उन्होंने सोचा होगा कि चलो 20 लाख तक है तो शायद मैं जुगाड़ कर लूँगा। बट एक्चुअल में वो बहुत मुश्किल में पड़ सकता है जब उनका बेटा वहाँ पे पहुँचेंगे और पता चलेगा कि 20 लाख नहीं, ये तो 28-30 लाख का खर्चा है। कैसा लगेगा आपको? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में कहाँ पे ऐसा खर्चा होता है जो कोई बताता नहीं है बट होता ज़रूर है? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, देर आर 4 टाइप्स ऑफ पैकेजेस विच आर बीन ऑफर्ड बाय द कंसल्टेंट्स। 4 तरीके का पैकेज ऑफर करते हैं कंसल्टेंट्स। नंबर 1 पैकेज, जिसमें सिर्फ ट्यूशन फीस को मल्टीप्लाई किया जाता है ड्यूरेशन के साथ। लेट से अगर $4,000 का फीस है, उसको 6 साल से मल्टीप्लाई कर देगा या 5 साल से मल्टीप्लाई कर देगा सीधे सीधे, और उसको 70 से मल्टीप्लाई करके आपको बोलेगा सर ये खर्चा है टोटल पैकेज। आपको लगता है ये टोटल पैकेज है? नो। पैकेज नंबर 2, कोई कोई कंसल्टेंट इतना इंटेलिजेंटली आपको प्रेजेंट करके देंगे जिसमें टोटल पैकेज में ट्यूशन फीस तो पूरे 6 साल का ऐड करेंगे बट हॉस्टल फीस जो है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का ऐड करके टोटल पैकेज बता देंगे। अगेन इल्यूजन, मिसगाइड। नंबर 3, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो कि ना ट्यूशन फीस और हॉस्टल को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से, ड्यूरेशन से, अगर आपका 5 साल का कोर्स है या आपका 6 साल का कोर्स है, और बता देगा ये टोटल खर्चा है। क्या लगता है सर आपको इसके अलावा खर्चा नहीं है? जो आपको ये पैकेज देते हैं ना उनको भी पता है कि एक्चुअल में बच्चे को खर्चा कितना है। एडोराइजन हमेशा ये बिलीव करता है कि बच्चे को या पेरेंट्स को डे 1 से एग्जैक्ट खर्चा बता के चलो, ताकि उनको एक एक रुपए जो वहाँ पे जाके खर्चा होगा और इंडिया में जो जाके खर्चा होगा हर एक रुपीज़ का पता चले, ताकि वो अपने बजट को प्रिपेयर तो कर सके। ये तो गलत होगा ना अगर मैं आपको बोलूँ 20 लाख का पैकेज और एक्चुअल में 28 लाख का हो रहा है। तो आइए बात करते हैं 4th पैकेज के लिए, जिसमें सब कुछ आना चाहिए हम बताते नहीं हैं। तो देखिए, जो 4th वाला पैकेज है उसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीज़ा एक्सटेंशन और इंश्योरेंस और फूड का खर्चा इंक्लूड होना चाहिए बट नहीं बताते।
सो दिस इज रियली नॉट द रियल एक्सपेंसेस. हम जो सो कॉल्ड ट्रस्टेड MBBS अब्रॉड अपने आप को बोलते हैं, वो सच में ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब हम अपने क्लाइंट्स के प्रति फेथफुल होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे. तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले, बच्चे को आप बाहर भेज रहे हो तो एक एक हेड्स, एक्सपेंसेस हेड्स जो शायद हिडन है या आपको लगेगा नहीं बताया जाता या छुपाया जाता है, चाहे वो विलिंगली हो या अनविलिंगली हो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ट्यूशन फीस और हॉस्टल के अलावा जो एक खर्चा होता है जो हर साल लगता है. कुछ कंट्री ऐसा है जिसमें वीजा एक्सटेंशन का जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरा 6 साल में एक बार में लगता है और इंश्योरेंस एक बार में हो जाता है, जैसे यूक्रेन है. ये एक्सपेंसेस लगेगा, बट आपको बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है आप अपने कंसल्टेंट से पूछिए. कुछ कंट्री ऐसा है जिसमें एवरी ईयर वीजा एक्सटेंशन और इंश्योरेंस का खर्चा होता है. ये बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार का खर्चा होता है, बट ये तो अगर 6 साल से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा तो होगा ना, पता तो होना चाहिए आपको. तो देखिए ये एक्सपेंसेस मैंडेटरी है और जो पर ईयर एक्सपेंसेस होगा ना, ये आप समझ के चलिए चाइना, रशिया, जॉर्जिया जैसे कंट्रीज में एवरी ईयर वीजा एक्सटेंशन होता है. तो अगर आप वो कंट्रीज में जा रहे हैं आप चेक कर लीजिए जो आपका कंसल्टेंट है उन्होंने ये बताया होगा कि नहीं, कि सर, मैम या स्टूडेंट आपको ये एक्सपेंसेस देना पड़ेगा. तो हॉस्टल और ट्यूशन फीस को छोड़ के जो वीज़ा एक्सटेंशन और इंश्योरेंस का खर्चा है, इसके अप्रॉक्स 6 साल या 5 साल का 50 से लेके 80 हज़ार का एक्सपेंस, इसको आप ऐड कर लीजिए. तो एक नंबर पे आ रहा है वीज़ा एक्सटेंशन एंड इंश्योरेंस का खर्चा. नंबर टू, फूड एक्सपेंसेस. बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कैंटीन है, मेस है, बट आपका जो खर्चा है वो हो सकता है आपको नहीं बताया जाए टोटल पैकेज में. हम आपको बता दें, एडुराइजन हमेशा आपको बताएंगे टोटल पैकेज में कि एक्स्ट्रा जो फूड का खर्चा है वो पर मंथ कितना लगेगा, बट आप चेक कर लीजिए जिसके थ्रू आपने बुकिंग कराया, क्या उन्होंने अवगत किया आपको? अगर नहीं किया तो पूछिए क्यों नहीं किया. अगर आप कैंटीन में, मेस में खाना खाएंगे तो समझ के चलिए ऑन एन एवरेज लंच एंड डिनर का 6 to 7 thousand पर मंथ का लगेगा. इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से 12 महीने के साथ, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन के साथ. अगर 5 साल के लिए जा रहा है तो मोटा मोटा 3 लाख का खर्चा आएगा, अगर 6 साल के लिए जा रहा है तो 3.5-4 लाख का खर्चा आएगा. तो ये दूसरा आ गया आपका फूड एक्सपेंसेस. अब बात आती है तीसरी, जो हम सोचते हैं कि पैकेज में शायद होगा. ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट सोचता तो है कि आने जाने का जो नेक्स्ट ईयर से खर्चा होगा वो होगा, बट वो एक्चुअल में हम काउंट नहीं करते हैं टोटल पैकेज में, हमें ऐड करना चाहिए. तो देखिए फर्स्ट ईयर का तो टिकट का हम एक्सपेंसेस कंसल्टेंट से पूछ भी लेते हैं, या कोई कोई कंसल्टेंट आपको बता रहा होगा कि प्लस टिकट या इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग चार्ज उसमें पैकेज में वो आपको टिकट का पैसा ऐड करता है, या जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है उसमें आपको टिकट का पैसा इंक्लूड कर देगा फर्स्ट टाइम का. बट नेक्स्ट ईयर से जो आप जाओगे और आओगे, हर बच्चा सेमिस्टर के बाद जुलाई और अगस्त में आता है इंडिया में, बट ये टिकट जो है वो लोग मार्च में बुक कर लेते हैं, फरवरी में बुक कर लेते हैं. तो इसका जो एक्सपेंसेस होता है जाने और आने का एयर टिकट, वो 35 to 40 thousand या 30 to 40 thousand, ऐसा एक रेंज में लीजिए, टू एंड फ्रो, मतलब जाने और आने का खर्चा होता है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 साल या 6 साल के साथ, तो 1.5 लाख से लेके 1,80,000 या 2 लाख रुपए एट द मैक्स आप काउंट कर लीजिए. तो ये भी आपका एक एक्सपेंसेस है जिसको हम फ्लाइट रिटर्न टिकट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स हम इनको इंक्लूड करना चाहेंगे, तो इसको भी आप जोड़ लीजिए. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट, बच्चे तो हम भेज दिए, हमने उसका ट्यूशन फीस दे दिया, हॉस्टल फीस दे दिया, मेस का खर्चा मतलब खाने का खर्चा भी दे दिए और टिकट का खर्चा, बट उसका पॉकेट मनी तो लगेगा ना. तो पॉकेट मनी जो है एक ऐसा है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट का स्पेंडिंग हैबिट के ऊपर. किसी स्टूडेंट का 3-4 हज़ार में हो जाता है, किसी स्टूडेंट का 5-6 हज़ार में हो जाता है, और किसी का 10 हज़ार भी कम पड़ता है. दैट डिपेंड्स अपॉन यू माय डियर स्टूडेंट, आपका स्पेंडिंग हैबिट कितना है. और अगर बोलेंगे कि क्यों ऐसा पैसा लगेगा, देखिए बहुत सारा खर्चा होता है, उसका मंथली रिचार्ज होता है, उसका थोड़ा बहुत शॉपिंग होता है, उसका ट्रैवल एक्सपेंसेस होता है, ये सारा चीज़ें मोटा मोटा इतना रहना चाहिए. तो 5 से 6 हज़ार रुपये अगर इसमें जोड़ूंगा मैं, तो ये भी आप साल का मान लीजिए 60 से 70 हज़ार रुपए,
इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से 6 साल, डिपेंडिंग अपन कौन सा कंट्री में जा रहे हैं जिसका ड्यूरेशन 5 या 6, तो इसको भी आप ऐड कर दीजिए कि कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए होगा। तो हम पॉकेट मनी, या तो हम पॉकेट मनी के तौर पे इस एक्सपेंस हेड को भी ऐड करवाना चाहेंगे आपको, कि इसको भी आप जोड़ के रखिए। एंड नंबर 5, सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए मैं जब किसी को पैकेज भेजता हूँ बोलते सर आपका पैकेज ज़्यादा है, तो मैं बोलता कैसे पैकेज ज़्यादा है भाई, कहते सर वो कह रहे हैं 18 लाख रुपए, आप कह रहे हैं 20 लाख रुपए, मतलब भेजो भाई उनका पैकेज। तो जब मैं पैकेज देखता हूँ ना उनका, मुझे बहुत हंसी आती है। देखिए आपसे जब डॉलर रेट एक्चुअल में लिया जाएगा बच्चों को डिपार्ट करने से पहले या छोड़ने से पहले, वो तो उस टाइम के उस डेट का रेट लगा के देंगे, बट जब आपको पैकेज दिया जाएगा ना, जब आपको डॉलर मल्टीप्लाई किया जाएगा, पैकेज को सस्ता करने के चक्कर में कोई कोई कंसल्टेंट 60 रुपए या 65 रुपए से जोड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब ट्यूशन फीस आप जमा कर रहे हो अपने हाथों से, जब हॉस्टल फीस मेस फीस आप अपने हाथों से जमा करोगे, तो पैकेज कैसे डिफरेंट हो जाएगा। यही होता है डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, के आपको इल्यूजन में रखा जाता है, आपको धोखे में रखा जाता है कि वो डॉलर का पैसा जो है 65 रुपए के हिसाब से जोड़ के आपको दे रहा है, और जब लेने का टाइम आएगा तो 73, 74 या whatever द करंट रेट है। तो इसको भी अगर आप समझ लीजिए, अगर 5 रुपए का भी अगर फर्क दिख जाए ना आप, तो आप समझ लीजिए टोटल पैकेज में 2 से 3 लाख का फर्क आएगा। तो हो गया ना सर। नंबर 1, वीज़ा एक्सटेंशन का पैकेज जो आपको नहीं बताया, तो 60 से 70 हज़ार रुपये जोड़ लीजिए। नंबर 2, फूड का एक्सपेंसेस अगर आपने नहीं जोड़ा तो उसको भी 3 से 3.5 लाख रुपये ऐड कर लीजिए, 4 लाख 4.5 लाख, ये हो गया। उसके बाद टिकट का एक्सपेंसेस 1.5 लाख से 2 लाख रुपये, तो हो गया आपका 6 लाख रुपये। और पॉकेट मनी आप जोड़ लीजिए वो 3 से 3.5 लाख रुपये, तो हो गया ना सर 9 से 9.5 लाख रुपये। तो बोला था ना मैं आपको कि जो आपको 20 लाख का पैकेज बता रहे वो एक्चुअली 20 नहीं, वो 30 लाख है। तो स्टूडेंट्स, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो उन स्टूडेंट के साथ जो सच में बहुत मेहनत से पैसा जुगाड़ करके आज सपना देखता है कि मुझे बाहर जाना है। उनका सपना हम टूटने नहीं दे सकते, उनको हम गहराई में नहीं डाल सकते हैं कि बेटा तुम्हारा 20 लाख रुपए का खर्चा है, और वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वो सारे चीज़ें जब देखता है तो मायूस हो जाता है, हो सकता है उसके लिए आगे का खर्चा चलाना मुश्किल हो, हो सकता है थर्ड ईयर में ही ड्रॉप ले ले, हो सकता है उसको लोन के लिए भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो कि वो अपना खर्चा अब लोन भी ना ले सके, उसके लिए सोचिए। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल माय फेलो बिजनेस पार्टनर्स एंड रेस्पेक्टेड कंसल्टेंट्स कि लेट्स यूनाइट एंड लेट्स प्लेज कि भाई हम सारे के सारे खर्चा बता के चलेंगे। और अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट लगे तो इसमें नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, और आपको इतना एश्योर करता हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली काम होगा। यहाँ पे एडुराइजन एक ऐसी कंपनी मिलेगी जो कि ना डायरेक्टर से, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मेरे से डायरेक्ट बात होता है, मेरे से फिल्टर होके फिर मैं काउंसलर को देता हूँ, मैं खुद बच्चे को लेके जाता हूँ। तो एक ट्रांसपेरेंसी पूरे ज़िंदगी भर मैं मेंटेन करने का प्लेज लिया है कि आप समझ लीजिए, एक बच्चा जो 200 नीट वाला जिसका 60% स्कोर है, एक बच्चा जो 500 नीट वाला है जिसका 80% 90% 12th में स्कोर है, आप उसको और एक ढांचे पे नहीं डाल सकते। सोचिए आप जो भी कंसल्टेंसी से बात करते हैं, किससे बात करते हैं आप फोन पे, दे आर मेयर काउंसलर्स, ना कभी वो उस कंट्री में गए होंगे, ना कभी उस यूनिवर्सिटी में गए होंगे, ना कभी वो जगह पे गए होंगे जहाँ पे आपके बच्चे को भेजने के फिराक में है वो। मैं खुद उस कंट्री में 10 बार गया हूँ, मैं उसी कंट्री में उसी यूनिवर्सिटी में डील करता हूँ जहाँ पे लोकल हमारा पीपल हो जो कि ना 24/7 बच्चे को हेल्प करने के लिए तैयार हो। क्योंकि आप भी जानते हैं जो कंसल्टेंट डे 1 से आपको छुपा रहा है, उसको 6 साल कैसे आप अपने बच्चे को हैंड ओवर कर सकते हैं। और अगर आपको उनके थ्रू ही जाना है तो रिक्वेस्ट करता हूँ सर, उनसे बैठिए, आराम से पेपर लीजिए और एक एक एक्सपेंस हेड को ऐड कर लीजिए, फिर कैलकुलेट कीजिए क्या मैं इस यूनिवर्सिटी का बजट को अफोर्ड कर सकता हूँ, अगर यस तभी जाइए। थैंक यू सो मच।